तो दोस्तों ले आया हूँ 2 BHK के रेट में 3 BHK का फ्लैट। जी हाँ, 2 BHK के रेट में 3 BHK का फ्लैट 80 स्क्वायर यार्ड में। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम धनराज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी बिल्डर्स पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 80 स्क्वायर यार्ड में 3 BHK। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 2 BHK के रेट में 3 BHK का फ्लैट। ये हमारा फ्लैट विपिन गार्डन में मौजूद है, गेटी सोसाइटी है। लिफ्ट कार पार्किंग की फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इस बिल्डिंग में हम आपको 80 से 90% लोन की भी सुविधा दे रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारी बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन पे। तो दोस्तों आप देखते हो हम अपने बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन पे आ चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन से पहले कि हमारा ये 40 फुटा रोड है, ये सीधा द्वारका मोड़ मेट्रो की साइड इसकी कनेक्टिविटी जाती है। बैटरी रिक्शे की प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलती है और मैं आपको बिल्डिंग की जो गली की फैसिलिटीज़ है, गेटेड गली है पूरी हमारी, और इस गली में आपको सीवर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन और वाटर कनेक्शन सारी सुविधाएँ मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन में हमने ब्राउन और वाइट टाइल्स का यूज़ दे रखा, जिसमें आपको प्रॉपर ग्राउंड से लेकर ऊपर तक टाइल्स का ही यूज़ दे रखा, और हमने डबल गेट की सुविधा दे रखी है। इसमें आपको एंट्री करते ही एंटरकॉम की सुविधा दे रखी है। और चलते हैं हम आपकी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में। आइए मैं पार्किंग एरिया को दिखाना चाहूँगा कि बिल्डिंग का ये पार्किंग एरिया आ जाता, जिसमें हमने प्रॉपर फोर सीलिंग का काम दे रखा है। 4-4 फीट की हमने टाइल्स लगा के दे रखी है। अभी बिल्डिंग में थोड़ा वर्किंग है इसलिए आपको थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन लगेगा, बाकी हमने बिल्डिंग प्रॉपर रेडी है। नीचे हमने कोटा पत्थर की पूरी पार्किंग दे रखी है, और आप देख सकते हो गेट टुगेदर पार्टी फंक्शन पूरे बिल्डिंग में कर सकते हो। और हमने आपकी बिल्डिंग में बताना चाहूँगा कि वाटर कनेक्शन की भी सुविधा दे रखी है, जिसमें आपको समरसेबल, मीठा पानी और तीनों चारों ऑप्शन आपको पानी के मिल जाते दोनों। यहाँ बगल में आपको लिफ्ट का प्रोविज़न मिल जाता और ये हमारे स्टेयर्स आ जाते हैं। स्टेयर्स पर भी स्टील की रेलिंग लगनी बाकी है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी बिल्डिंग के लॉबी एरिया में। आप देख सकते हो हमारे बिल्डिंग के लॉबी एरिया में बहुत स्पेसियस है, और हमने आपको स्टेयर्स में लाइटिंग का और टाइल्स का यूज़ दे रखा, जिसमें आपको वुडन स्टेप बाय स्टेप लाइटिंग लगी हुई है और 4-4 फीट की टाइल्स लगी है। इससे आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमको लिफ्ट का भी ऑप्शन हमने दे रखा है इस बिल्डिंग में, और हमने आपको लॉबी एरिया में पूरे में 4-4 फीट की टाइल्स जैसा पार्किंग में दे रखा, वही ऑप्शन आपको लॉबी एरिया में दे रखा। बिल्डिंग को जीरो फिर मेंटेनेंस बनाने की कोशिश की हमने कि आपकी मेंटेनेंस कम से कम लगे। तो दोस्तों चलते हैं हमारे फ्लैट के अंदर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे फ्लैट के अंदर। एंट्री करते हमारा ये लिविंग एरिया आ जाता। लिविंग एरिया आप स्पेस देख सकते हो, बहुत ही स्पेसियस हमारा लिविंग एरिया होने वाला, जिसमें हमने बहुत खूबसूरत आपको वॉलपेपर्स और आपको फोर सीलिंग का काम दे रखा है, जिसमें हमने आपको झूमर लगा के दे रखा है, फैंस लगा के दे रखे हैं। तो बहुत ही प्यारा फ्लैट होने वाला, पूरा यू एल शेप में आपको अपना वॉलपेपर लगा के दे रहा है, और यू शेप का आपका सोफा सेटिंग हो सकती है। अगर इसके अपोजिट में बताऊं तो आपको LCD पैनल मिलने वाला, बहुत स्पेशियस बड़ा LCD पैनल है। सोफे सेट के अपोजिट में आपको LCD पैनल स्विचेस के साथ मिल जाता है, लाइटिंग का यूज़ दे रखा, और बहुत बड़े साइज़ में ये LCD पैनल है, जिसमें आपको बड़े से बड़ा LCD पैनल अपना LCD लगा सकते हो। जिसमें हमने आपको ड्रॉअर वगैरह दे रखी है, जिसमें आप अपने ऑप्शन वगैरह जो भी सामान वगैरह रख सकते हो। गिफ्ट आइटम के लिए हमने आपको छोटी छोटी स्लिप बना रखी है। वुडन का हमने इस बिल्डिंग में बहुत हाईलाइट काम दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा लिविंग एरिया, जिसमें हमने स्पेसियस बना रखा। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। तो आइए, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। तो फर्स्ट बेडरूम की बात करते हैं तो बड़ा स्पेसियस बेडरूम आ जाता है ये, जिसमें हम आपको वॉल टू वॉल अलमीरा दे रहे हैं, डबल पल्ले की स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है जिसमें आपके, और आपको ऊपर ड्रोर में आपको बहुत ही स्पेस मिल जाता है। जिसमें अब मैं आपको इस फर्स्ट बेडरूम में आपको शाफट भी दे रहा हूँ, शाफट का भी ऑप्शन दे रखा, और इसमें आपको बहुत खूबसूरत फोर सीलिंग का काम मिलेगा। देख सकते हो आप, बहुत ही बेहतरीन फोर सीलिंग, फैंसी लाइट, फैन वगैरह सब लगा के दे रहे हैं। बहुत ही स्पेसियस आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। स्प्लिट एसी की वायरिंग दे रखी है इसमें। तो दोस्तों तो चलते हम अपने सेकेंड बेडरूम में। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमने इसमें टाइल्स वगैरह का यूज़ दे रखा, विक्टी फाइल्स टाइल्स यूज़ दे रखी है, बड़े साइज़ की टाइल्स है ये, जो स्क्रैच फ्री टाइल्स होती है। तो आइए दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कॉमन वॉशरूम, जो हमारा लिविंग एरिया के अपोजिट में ही है। ये वॉशरूम की बात करते हैं तो इसमें स्पेसियस वॉशरूम है, वॉल टू वॉल टाइल्स दे रखी है, हमने शाफट का भी ऑप्शन दे रखा है, लाइटिंग का भी ऑप्शन दे रखा, और इसमें आपको सारा सैनिटरी का काम कम करके देंगे।
अभी इसमें टैप स्विच वगैरह सब लगा के देंगे इसमें। तो इससे तो इसके आगे हम चलते हैं, तो इसमें हम आ जाता है सेकंड बेडरूम। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है जिसमें स्पेशियस बेडरूम है। इस सेकंड बेडरूम को हम मास्टर बेडरूम भी कहेंगे, इसको हम मास्टर बेडरूम भी कहेंगे। इसमें आपको हम अलमीरा दे रहे हैं लगा के। तो दोस्तों हम सेकंड बेडरूम में भी आपको अलमीरा बना के दे रहे हैं, वॉल टू वॉल अलमीरा। बहुत ही ब्राउन और वाइट कॉम्बिनेशन का हमने यूज़ दे रखा है, जो बिल्डिंग है फ्रंट में दे रखा है यूज़ वही। इसमें हम आपको 3D वॉलपेपर दे रहे हैं, वॉलपेपर का वो डिज़ाइन देख सकते हो, बहुत ही कस्टमाइज वॉलपेपर है। अगर आपको टेक्सचर करवाना हो तो आप टेक्सचर भी करा सकते हो, या वॉलपेपर लगवाना हो तो आपको वॉलपेपर का भी ऑप्शन मिल जाता। तो दोस्तों चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारा किचन, मॉड्यूलर किचन यू शेप में, बहुत ही बेहतरीन स्पेस में किचन है। देख सकते हो बहुत ही प्यारा किचन हमने बना रखा, जो इसमें हमने ये मार्बल का यूज़ किया हुआ, ये ब्राउनिश एंड रेड में मार्बल लगाया हुआ हमने। इसमें यू शेप का ये अपना किचन आ जाता है। यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर पॉइंट आ जाता है दोस्तों, बहुत ही बड़े साइज़ का फ्रिज रख सकते हो। इसके अलावा आपको यू शेप का पूरा किचन मिल जाता है, जिसमें आपको प्रॉपर मॉड्यूलर किचन मिलता है, जिसमें आपको सामान आप रख सकते हो। चिमनी का भी ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको चिमनी लगा के देंगे, चिमनी का ऑप्शन दे रखा है। सारे ड्रॉअर वगैरह, वॉल टू वॉल ड्रॉअर वगैरह स्पोर्ट लाइटिंग के साथ दे रखा। ऊपर आपको प्रॉपर फॉर सीलिंग का काम दे रखा है, जिसमें लाइटिंग का पूरा यूज़ और फैन का ऑप्शन, दोनों हमने ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो हर बार की बारी इसमें भी टैप स्विच वगैरह सारा लगा के देंगे, आप देख सकते हो। और टाइल्स का पूरा यूज़ दे रखा है, जिसमें आपकी किचन जल्द से जल्द गंदी नहीं होती और वॉशेबल होती है पूरी किचन। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपना थर्ड बेडरूम। और तीसरे बेडरूम से पहले मैं आपको थोड़ा, हमने कुछ अलग बिल्डिंग में काम करने की कोशिश की, ग्रीन शीट हमने वॉलपेपर की जगह टेक्सचर की, हमने पूरे में ग्रीन शीट लगाई है, जो हमारा कॉमन वॉशरूम से और सेकंड बेडरूम तक आता है। ये ग्रीन शीट में आपको ये प्लस होता है कि ये कभी ख़राब नहीं होती और ये सदा बाहर चीज़ होती है, और एक बिल्डिंग में आजकल यूनिक चीज़ चल रही है, ठीक है जी। तो ये हमने ग्रीन शीट लगा रखी है। तो चलते हमारे सेकंड बेडरूम में, थर्ड बेडरूम में सॉरी। तो थर्ड बेडरूम में हमारी ये अटैच बालकोनी है। एक हमारा मास्टर बेडरूम हो जाता, एक हमारा विद अलमीरा बेडरूम हो जाता, और ये अटैच बालकोनी बेडरूम है। थ्री बेडरूम हो गया हमारा, जिसमें आपको बड़ी आपको विंडो मिल जाती है, आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही बड़ी आपको विंडो मिल जाती है स्पेसिस। विंडो एसी का आप यूज़ दे सकते हो, यूज़ कर सकते हो, विंडो खोल सकते हो। यहाँ पे आपकी बालकनी आ जाती है स्पेसियस। इससे पहले मैं आपको LCD पैनल दिखाना चाहूँगा, हमारा बहुत बेहतरीन साइज में LCD पैनल है, और प्रॉपर फॉर सीलिंग का काम दे रखा है ऊपर, जिसमें हम आपको वॉलपेपर कहते हो, कुछ भी कहते हो आप, हम आपको टेक्चर वॉलपेपर सारा काम करवा के देते हैं। तो आइए दोस्तों हमारे बालकनी में चलते हैं। बालकनी का स्पेस हमारा 10x3 का बालकनी का स्पेस है, जिसके बाद हमारा वॉशिंग एरिया यहाँ पे आ जाता है। ये हमारा आ जाता वॉशिंग एरिया, हमारे यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा सकते हो और कपड़े वगैरह धो सकते हैं। इसके अलावा हमारे बालकनी में SSK ग्रिल्स वगैरह लगा रखी है, टैप स्विच का सारा काम हम करके देते हैं। पूरी गली का आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चौड़ी गली मिल जाएगी, कपड़े सुखा सकते हो, और पूरी धूप की हवा पानी की वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधा। तो ये हमारा 3BHK का 80 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट था, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला। तो मैं आपको आगे की बिल्डिंग के बारे में बताने के लिए, तो चलते हमारे लिविंग एरिया में। मैं इस बिल्डिंग के बारे में और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग में हम आपको लिफ्ट का प्रोविज़न भी दे रहे हैं, कार पार्किंग का भी ऑप्शन दे रहे हैं, और इसी बिल्डिंग में हम आपको ये गैस पाइप लाइन की भी सुविधा उपलब्ध है। ये आपका विपिन गार्डन द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन के पास अवेलेबल है। तो अगर आपको बिल्डिंग की अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिल्डिंग की विजिट कर सकते हो हमारे ऑफिस आगे, और हम आने वाले टाइम पे बम्पर प्राइस और बम्पर ऑफर निकालने वाले हैं। अभी इस बिल्डिंग का रेट बहुत ही किफ़ायती रेट मिल रहा है, 2BHK के रेट में आपको 3BHK फ्लैट मिल रहा है। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बट सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको और नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसके लिए मैं श्याम धनराज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय गुरु जी।